ये जो रिपोर्ट आई है टाइम्स में, इसमें एक गलती है। मेरे को खुद दाऊद ने फोन किया था, नॉट शकील, बट ही वॉज डूइंग इट ऑन बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ एंड शकील। बट मेरी बातचीत जो हुई थी वो खुद दाऊद से हुई। जो भी लिखा है टाइम्स ने वो सब ठीक है, मगर सिर्फ ये उनकी एक गलती हुई है, दाऊद हु टॉकिंग। क्या कहा था उन्होंने? दाऊद ने कहा कि साहब मेरे ऊपर सिर्फ ये कहते हैं कि मैं बड़ा बड़ा गुनाह किया है, बम ब्लास्ट ये वो, और सब झूठी बात है। मैं आने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे सिर्फ ये एश्योरेंस चाहिए, तसली चाहिए कि भाई मेरे को ये मारपीट नहीं करेंगे, थर्ड डिग्री नहीं करेंगे, और मेरे को हाउस अरेस्ट में रखो। आई एम कमिंग टू डिफेंड माई सेल्फ, अगर मैं गुनाहगार हूँ तो मेरे को सजा दो। मैंने कहा कि देखो मैं सरकार से बात करूं, ये ऑफर बोला जरूर करो, मैं सरकार तो नहीं हूं ना, आई कांट गिव गारंटी ऑन दैट, सो आई सेंट इन राइटिंग। आई रिमेम्बर शरद पवार को मैंने लिखा था, और मेरा बेटा जो वकालत करता था, मैं बेटे को कहा कि ये ऑफर हुआ है, तुम लोकल अथॉरिटीज को बेशक और शरद को भी कहो कि आने के लिए तैयार है। जिस आदमी को आप पकड़ नहीं सकते, आपके पास कोई, अगर इनके पास एविडेंस होता, सच्ची बात तो ये है, तो ये एक्सट्रेडिशन प्रोसीडिंग्स क्यों नहीं करते? कभी नहीं किया इन्होंने एक्सट्रेडिशन प्रोसीडिंग। एक्सट्रेडिशन प्रोसीडिंग नहीं करते हो या तो मुकदमा नहीं चलाना चाहते हो, सिर्फ नाटक करना है, और एविडेंस है तो लंदन में जाके एक्सटेंशन प्रोसीडिंग लगाओ। नहीं किया था। वो कहता है जिसको आप नहीं पकड़ सकते हैं आज कि मैं आने के लिए तैयार हूं, मेरे को बेशक मुकदमा चलाओ, मैं गुनाहगार हूं, मैं सजा भोगूंगा, मगर मारपीट मेरे ऊपर नहीं हो, मेरे को हाउस अरेस्ट करो, रखो बेशक। मैंने बेटे को भी कहा कि शरद वगैरह जो भी हुए उससे बात करो, आखिर इन्होंने थोड़े दिन के बाद कहा कि साहब ये बात नहीं होगी, उसका भी जवाब उनको राइटिंग में नहीं दिया। शरद पवार की बात है या सारी कांग्रेसी सरकारी उनकी बात है पता नहीं, ये जो डिसीजन है सिर्फ शरद पवार ने नहीं लिया होगा, तो जरूर सेंटर के साथ भी बातचीत हुई होगी। अब देखो यूपीए सरकार और कांग्रेस की सरकार का मैं कोई आशिक नहीं हूँ, मैंने तो कहा है कि करप्ट गवर्नमेंट है, करप्ट गवर्नमेंट का यही काम है।